आउट और वाह लॉक्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप और यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान लिट्टन दास टुक टुक लिट्टन दास टुक टुक करते रह गया मुस्तफिजुर रहमान भी आउट हो गया पूरी पूरी टीम ऑल आउट हो गई 115 रन बांग्लादेश से नहीं बने बट यार यू हैव टू टिप योर हैट ऑफ सीरियसली टू राशिद खान वो आदमी है कप्तानी के साथ साथ चार विकेट ले गया उसके बाद आप देखिए गुलपति नैब यही उसको ऑस्कर भी दो उसको सारे एक्टिंग के अवार्ड्स दो उसको ऑस्कर भी दो और उसको प्लेयर ऑफ द मैच जैसे लास्ट बार मिला था ना वो भी दो वो भी विकेट ले गया यहाँ पे नवीन उल हक ने दोनों को आउट कर दिया फारूकी ने आउट कर दिया मतलब खात्मा कर दिया यार ऑल आउट कर दिया भाई 115 रन नहीं बने तबाही और एक ही चांस था कि अफगानिस्तान जीत जाए ऑस्ट्रेलिया बाहर आ जाए ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ द वर्ल्ड कप अफगानिस्तान भाई मतलब अफगानिस्तान की मतलब एक दाद देनी पड़ेगी भाई मजा आ गया भाई जितनी तारीफ करे उतनी कम है आप गुरबाज भाई है ये सबसे बड़ा पल है भाई गुरबाज रो रहा है राशिद खान नतमस्तक हो रहा है जमीन पर आप देखो यहाँ पर पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश क्रिकेट एशिया की खराब कर रहे अफगानिस्तान किसने बोला था भाई अफगानिस्तान जाएगा ऑस्ट्रेलिया टाटा पहले बोला था अफगानिस्तान जाएगा ऑस्ट्रेलिया बाहर अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सोच रहा था मिचेल मार्श अबे ढीट कमॉन बांग्लादेश अब हो गया कमॉन अफगानिस्तान कर दिया ना तुम्हारा और बांग्लादेश अबे तुमने जीतना था अगर बांग्लादेश तो या तो चेज के लिए जाते या फिर तुम जीतने के लिए जाते तुम पहले चेज में जा रहे हो फिर टुक टुक कर रहे हो फिर चेज में जा रहे हो फिर टुक टुक तुम्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा चाहते क्या हो सही बात है और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था या तो तुमने जीतने के लिए जीतने के लिए जाओ या फिर उनको जिताओ तुमने तो पूरी कोशिश करी कि ऑस्ट्रेलिया को थ्रू करवा दो पता नहीं क्या खेल रहे हो यार बांग्लादेश लाना था वैसे बांग्लादेश की बैटिंग पे लेकिन यार अफगानिस्तान भाई जितनी तारीफ करो कम मजा आ गया टीम का डेडिकेशन पे दाद है भाई एक बार कैप्टन राशिद यार राशिद यार कैप्टन भाई कार्ड भी देखेंगे वो दो छक्के मत भूलना राशिद खान के राशिद ने जो लास्ट में आके तीन छक्के लगाए हैं 19 रन बनाए हैं उसकी बदौलत अफगानिस्तान आज सेमीफाइनल पहुंच गया है ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया है यार आई कैन नॉट बिलीव अफगानिस्तान भाई साहब अफगानिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना आपको बताता है पिछले 10 सालों में संघर्ष की कहानी जिस देश के पास खेलने के लिए अपना खुद का एक अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है जिस देश के राजनीतिक मसले इतने ज्यादा खराब हुए पूरा देश बदल कर चला गया भाई साहब वो देश आज गया है सेमीफाइनल में जो लोग कहते हैं हमें सुविधाएं नहीं मिलती क्या कुछ नहीं मिलता भाई ये लोग इंडिया में आके अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं आगे बढ़ते हैं और जज्बा जो कहते हैं ना मेरी जान अफगान फाइटर्स दीज आर दोस अफगानिस्तानी माय ब्रदर्स इनको मतलब अगर मैं कहूं ना भाई इंडिया और अफगानिस्तान का फाइनल होता है जो मर्जी जीते मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा मैं कहता हूं इंडिया का हूं इंडियन लेकिन अफगानिस्तान की जीत क्रिकेट के दिल को खुशी देगी इतनी बेहतरीन आप कहते ना जिन लड़ाई लड़ी है भाई देखो ना अपनी किस्मत से लड़ाई लड़के आगे आए बढ़ के मारते रहते पाकिस्तान हम वो है इंडिया ऐसे जीत जाती है इंडिया फिक्सिंग कर लेती है हम ये करते इतनी बकवास उन्होंने करी कुछ दो कौड़ी की उन्होंने क्रिकेट नहीं दिखाई दो कौड़ी की क्रिकेट लिटरली बोल रहा हूँ आप देखो बाबर आजम हम तो जी देखिए 21 में हमने सेमीफाइनल खेला था 22 में हमने फाइनल खेला था इस बार तो देखिए हम कब जीतेंगे यूएसए से भी हार गए भाई आप बांग्लादेश को देखो 115 चेज नहीं हो रहा श्रीलंका बाहर हो गई अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आ गया यार अफगानिस्तान किस किस को हराया अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया अफगानिस्तान ने आज बांग्लादेश को हरा के ऑस्ट्रेलिया को एलिमिनेट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को पूरी जिंदगी याद रह गए पूरी, आज पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम बैठ के देख रही होगी मैच पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम मिच मार्च बैठ के टीवी लगा के मार्च बैठा हुआ है स्टार्क बैठा हुआ है कमिंस बैठा हुआ है टेड बैठा हुआ है सब देख रहे हैं कि हे बांग्लादेशियों हमें जितवा दो बांग्लादेशी बोले बेटा एंड तक तुम्हारी उम्मीद है बढ़वाऊंगा फिर मरवाऊंगा वो ही करा है बांग्लादेश ने यार हाउ पैथेटिक मतलब बांग्लादेश वैसे बांग्लादेश क्रिकेट का भी जनाजा उठ चुका है सही बात है इतनी गंदी क्रिकेट खेलते हैं लोग भाई लेकिन यार अफगानिस्तान ने इनको छोड़ा नहीं अब अच्छा अफगानिस्तान ने पकड़ पकड़ के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मारा है आज इनकी बैटिंग नहीं हुई अफगानिस्तान राशिद खान
प्लेयर ऑफ द मैच है, उसने एंड में आके तीन छक्के लगाए, एंड में फ्रस्ट्रेटेड भी था जब उसने बैट फेंका करीम जन्नत पे कि भाई क्या कर रहा है तू, डबल क्यों नहीं भाग रहा। उसके बाद राशिद ने दो छक्के मारे, एक छक्का मारा, एक छक्का पहले मारा था, एक छक्का पेनल्टीमेट ओवर में मार दिया, तीन छक्के 19 रन बनाए राशिद खान ने। और जब बॉलिंग के साथ आया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक विकेट, चार विकेट ले गया राशिद खान। भाई साहब यार राशिद खान इंडिया के अगेंस्ट भी विकेट ली थी इसने, याद है ऑस्ट्रेलिया का खात्मा किया, यहां पर इनको हराया, सेमीफाइनल में पहुंच गई टीम यार, सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाई, न्यूजीलैंड नहीं पहुंच पाई, पाकिस्तान नहीं पहुंच पाई, इंग्लैंड मर मर के पहुंची है, आप पहुंच गए हो भाई, अब एक काम कर देना, साउथ अफ्रीका को हराना, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान फाइनल, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई जीत मर्जी नहीं है। नवीन उल हक भी भाई, नवीन उल हक ने जो लास्ट ओवर डाला ये लट्टन दास ने मरवाया, लट्टन दास बार बार भैया चौका मारना नहीं टेलेंडर को दे दे, चौका मारने टेलेंडर को दे दे, उसके बाद उसको स्ट्राइक दे दे, तस्कीन आउट हुआ इसने उसको मुस्तफिजुर रहमान को पहली बॉल पे आउट कर दिया। नवीन उल हक 3.5 ओवर्स 26 रन 4 विकेट, अलग फारूकी 2 ओवर 15 रन, ये भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है इसने, नबी 2 में 15, लेकिन राशिद खान पिक ऑफ द बॉलर्स 4 ओवर 23 रन 4 विकेट। जैसे कल रोहित शर्मा ने भाई बल्ले से जिताया ना इंडिया को, वैसे आज राशिद ने बल्ले से, कप्तानी से, बॉलिंग से अपनी टीम को धड़ल्ले से लेके गया है इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप। और भाई मजा आ गया अफगानिस्तान को देख के, मजा आ गया मतलब ये पूरा वर्ल्ड तो भाई अफगानिस्तान का कैंपेन देखो, इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बांग्लादेश को हराया, एंड सीरियसली भाई ये लोग न्यूजीलैंड जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, वेस्ट इंडीज जैसी टीम भाई उन सबसे थोड़ा क्या बहुत ज्यादा डिजर्व करते थे सेमीफाइनल की पोजीशन में आना। और सबसे बड़ी बात यार आप क्रिकेट की तरक्की देखो, आज 2023 के पहले जहां किसी ने सोचा नहीं था भाई अफगानिस्तान को ट्रबल भी दे सकता है भाई, ये अफगानिस्तान मजा पता है क्या सबसे ज्यादा, देखो ठोक दिया सबको, ठोक तो दिया, ऑस्ट्रेलिया निकल गया, ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल गया, ऑस्ट्रेलिया डिजर्व भी नहीं करता था जिस तरीके की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खेली। और मेरा दिल कह रहा था यार अफगानिस्तान ने अगर ऑस्ट्रेलिया को हराया ना, आज हमने बॉल बाय बॉल पूरा मैच देखा आपके साथ, सुबह पूरा मैच, बारिश भी हुई हम हटे नहीं, पूरा लाइव कर आपके साथ, हर मोमेंट में ये बोल रहे थे अफगानिस्तान जीत सकता है, अफगानिस्तान जीत सकता है, 115 रन है लेकिन जीत सकता है। जो बांग्लादेश ने गुड़ गोबर किया भाई, मैं तो बांग्लादेश का भी शुक्र गुजार हूं, आपसे ज्यादा घटिया अप्रोच हो ही नहीं सकती थी इस मैच में, 16-1, 23-2, 23-3, 48-4, 64-5, 80-6, 80-7, 92-8, 105-9, 105 तो मजाकी करने आए थे बांग्लादेश की, लिटन दास वो आखिर तक सिर्फ देखता हूं ड्रामे कर रहा था, वो जो रन बना के गया 54, अगर तेरी इंटेंट है जिताने की तो जिता, तू अपने कन्नी अपने बोर छुपाने के लिए बार बार टेलेंडर को स्ट्राइक दे रहा है, कभी ना कभी तो आउट होना ही था ना, एंड में जाके नवीन ने आउट कर दिया, दोनों को आउट कर दिया, मुस्तफिजुर रहमान क्या कर लेता, खैर इनको इनको क्या कर लेता, जीतना नहीं था बात, यहाँ पर अफगानिस्तान क्यों नहीं चाहिए, बांग्लादेश तो कभी भी डिजर्व नहीं कर रही थी, वैसे भी जाना जाना इस ग्रुप से कोई डिजर्व कर रही थी इंडिया के बाद तो अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया को हरा के स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई हम तैयार है, आज जहां पे जरूरत थी कि आपको मैच जीतना है, ऑस्ट्रेलिया दे जो बड़ी बड़ी बड़के मारी के भैया हम तो नो बेटर टीम टू डू इट अगेंस्ट एन इंडिया, इंडिया ने पेल दिया बिल्कुल, पहले अफगानिस्तान ने पेल दिया, फिर महाराष्ट्र कह रहा है मतलब बेशर्मी की हद हो गई के जी नहीं कम ऑन बांग्लादेश ले कर ले कम ऑन बांग्लादेश, अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए वॉटरशेड मोमेंट है, अफगानिस्तान वो टीम है, ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया, अब T20 वर्ल्ड कप में आके भाई आपने न्यूजीलैंड को हराया, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, आज बांग्लादेश को हरा के सेमीफाइनल, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर स्पिनिंग ट्रैक मिल गया साउथ अफ्रीका के साथ, आप देख लीजिए कहां पर है मैच, साउथ अफ्रीका के साथ ये फंसा दे, राशिद जिस तरीके से कप्तानी कर रहा है, सिर्फ एक कमी है अफगानिस्तान में भाई, बैटिंग डीप नहीं है, मिडिल ऑर्डर इनका बहुत ही हल्का लगता है, बहुत ज्यादा कमजोर, सिर्फ जादरान और गुरबाज पे पूरी बैटिंग टिकी हुई है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा भाई अगर ये ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं तो साउथ अफ्रीका को भी हरा सकते हैं, गुरबाज शायद परसों ना खेले, आज गुरबाज से जब मुकाबला खत्म हुआ दो पैरों पर नहीं चला जा रहा था, और परसों अगर गुरबाज कुछ इधर उधर हो जाता है भाई तो बहुत ज्यादा बड़ा झटका है इनके लिए, बिकॉज इनका बैकअप विकेट कीपर मोहम्मद है, 19 साल का, उसने कभी खेला नहीं, विकेट कीपर छोड़ दे बैटर ही एक है, देखिए आज भी गुरबाज ने 43 मारे भाई, 115 में गुरबाज के 43 है, तो आप सोच लो गुरबाज कितना इंपॉर्टेंट बैटर, और रो रहा था वो एंड में भाई, आप सोच नहीं सकते जिस देश में सरकार, जैसे बोला इन्होंने तालिबान की सरकार आ गई, कुछ पता नहीं इनको वापस जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, इंडिया में प्रैक्टिस करे हैं लड़के, सीखे हैं यहाँ पर लिटरली, आईपीएल खेलते हैं सारे के सारे, वो सेमीफाइनल में पहुंच गए भाई, बड़ी बड़ी टीम्स नहीं पहुंच पाई दोस्त, बड़ी बड़ी टीम्स नहीं पहुंच पाई यार, और मैं तो आज दिल से बहुत ज्यादा खुश हूं कि भाई जिनको नीचा दिखा भाई, पाकिस्तानियों ने कितनी बार बोला मुझे
ये तो हमसे सीखे, हमें थोड़ी हरा सकते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में हरा, नमक आराम कहते थे लोग, चलो वो तो खैर बिलो द बेल्ट वाली बात है, लेकिन ये हमसे सीखे, हम तो हमें थोड़ी हरा देते, आज उनको बोलने को नहीं मिलेगा कुछ भी। आप अफगानिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, ना ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हरा के, क्या होता ना हमेशा अपसेट करते थे लेकिन आगे नहीं पहुंच पाते थे, आज तो भाई सेमीफाइनल में खड़े हैं। एक बात बताऊं, सबका इक्वल चांस है, क्या है इंडिया को दो मैच जीतने वर्ल्ड कप, तो इनके लिए भी सेम है भाई, अफगानिस्तान को दो मैच जीतने वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। तो हालांकि टफ है साउथ अफ्रीका को हराना या इंडिया को फाइनल में हराना, ये जिसके सामने भी आए, मगर फिर भी यार हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन, हैट्स ऑफ टू योर क्रिकेट, हैट्स ऑफ टू योर पैशन, कहीं पर भी इन्होंने जज्बा नहीं छोड़ा। देख हर बार विकेट आउट हुई इनके दिल में था कि नहीं जीतना है, तो देख कितनी जान लगाई है हर बॉलर ने, ड्वेन ब्रावो को देख ले भाई, ड्वेन ब्रावो जोनाथन ट्रॉट, जोनाथन ट्रॉट तो भाई काफी टाइम पकड़ रहा है, जोनाथन ट्रॉट बोल रहा है बारिश आ रही रुक जाओ, जोनाथन ट्रॉट ने मैच नहीं छोड़ा भाई। आज आप ये देखो ना, दे आर प्लान, दे आर रेडी एवरीवेयर भाई, मतलब पिछले एक साल में ना इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हमें दो लम्हे मिले हैं जहां पर गूज़बम्स मोमेंट है, दिल दिल से तालियां निकली है, एक मैक्सवेल का वो दौरा शतक का दूसरा आज है ये वाला जो यहाँ पर ये मैच देखा है पूरा, हमने सुबह से सुबह 6 बजे से लगाकर पूरा मैच देखा है इंक्लूडिंग बारिश। तो भाई ये बता रहे हैं आपको कि किसी भी मोमेंट में ये अफगानिस्तान का मैच नहीं था, नहीं था, बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप रही, 115 पे खत्म हुए, कहीं से भी अफगानिस्तान का मैच नहीं था, बांग्लादेश ने बैटिंग शुरू करी, फालतू में विकेट भी दे दी, फिर भी लग रहा था बांग्लादेश ये चेस यार 115 तो बना ही लेगा ना, एंड तक जाते जाते भी 7 विकेट 8 विकेट, जब 9 और 10 आई है ना तब लगा कि हाँ भाई अफगानिस्तान जीत गया, अदरवाइज कहीं से भी भाई ये जबरदस्त विल पावर जो इन्होंने विल पावर दिखाई है ना आज अफगानिस्तान ने, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एक हिट दे रहा है, राशिद आ रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है, नूर कोशिश कर रहा है, गुलबदीन आया विकेट ले गया, आते ही विकेट ले गया, महमूदुल्लाह को आउट कर दिया उसने राशिद ने, तो एक के बाद फिर राशिद ने बोल्ड मारा, फिर आपका एंड में आके दोनों विकेट ले गया नवीन उलहक, 4 विकेट नवीन उलहक, 4 विकेट राशिद खान, गुलबदीन नायब ने 2 ओवर कराए, एक्टिंग भी करी और एक विकेट भी ले गया। यार अफगानिस्तान का जज्बा, इनकी सबसे बड़ी बात यह है भाई, जो चैन कुली की मैन कुली की चैन, जो भाई थे ना साथ सत्ते पे सत्ता में, कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये इतने इकट्ठे खेलते हैं ना एज अ टीम, नेस्ता नाबूद करके रख देते हैं। और भाई जिस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिस टीम ने न्यूजीलैंड को हराया, वो ही डिजर्व करती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि द बेस्ट टीम आफ्टर इंडिया फ्रॉम दिस ग्रुप इज नॉट गोइंग टू प्ले द सेम। यार पहले मैच से लेकर अब तक जो अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप गुजरा है, चाहे आप न्यूजीलैंड वाले मैच से उठाकर देख लो, वहां पर भी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी न्यूजीलैंड जैसी टीम को अफगानिस्तान इतना वन साइडेड मारेगी। वहीं से स्टेटमेंट दे दिया था कि अफगानिस्तान इस बार पूरी तरीके से तैयार आई है, जो प्लान की बात आप बोल रहे ना, प्लानिंग, ये प्लानिंग काफी टाइम से इनकी चल रही है, और खासकर जोनाथन ट्रॉट का जो इंक्लूजन है, जो बीते 1.5 साल से टीम के साथ है, 2 साल से ऊपर, तो जो प्लानिंग थी वो हमने कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में ही देख लिया था, 50 ओवर वर्ल्ड कप में हमने देख लिया था, जहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को मारा था। 20 ओवर का फॉर्मेट तो अफगानिस्तान का ही फॉर्मेट है, 20 ओवर के फॉर्मेट में अफगानिस्तान आज के डेट में कोई छोटी टीम नहीं है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी टीम है आगे आफ्टर इंडिया, पाकिस्तान भी आसपास नहीं है, श्रीलंका तो है ही नहीं, बांग्लादेश का तो खैर कहना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, अफगानिस्तान फार अहेड है। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि एशियन क्रिकेट के डोमिनेंस की बात होती है, तो अफगानिस्तान बिल्कुल पास है, और दो अच्छे दिन चाहिए। देखो एक बात बताइए, पाकिस्तानियों कल क्या कह रहे थे, अफगानिस्तान तो जी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडिया के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेलता जी, बेटा उन्होंने न्यूजीलैंड को फोड़ दिया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फोड़ दिया, आज उन्होंने बांग्लादेश को 115 पे फाड़ के सेमीफाइनल में अगेंस्ट द ऑल ऑड्स। आप आज की डेट में ना आप जिम्बाब्वे से जीत पाते हो, ना आप आयरलैंड से जीत पाते हो, ना आप यूएसए से जीत पाते हो, इंडिया की तो बात ही छोड़ दो, ना आप अफगानिस्तान से जीत पाते हो, तो आप किस मुंह से बढ़ बढ़ के लोगों पे इल्जाम लगाते हो, खुद आपके बंदे जो है जेल काट के आए हुए हैं, और सबके ऊपर फिक्सिंग का, पैसे लेने का, कॉन्ट्रैक्ट लेने का इल्जाम लगाते रहते हो, मतलब कि आप अपने क्रिकेट को ऊपर नहीं लेके जा रहे, बस अपनी मेंटालिटी की वजह से नीचे ही जाते जा रहे हो। एक टीम को आप क्रेडिट नहीं दे सकते क्योंकि वो इतना अच्छा क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, उनको क्रेडिट मत देना भाई, वो दे हैव प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन्स। 115 डिफेंड करना, 110 पे ऑल आउट कर देना, बांग्लादेश आराम से चेस कर रही थी ये, एक्चुअली बांग्लादेश तो बौखलाई गई थी बीच में, पता नहीं कर क्या रहे थे वो, शुरू में हुआ उनको लगा चलो हम चेस के लिए जा रहे हैं, हम क्वालिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, बाद में महमूदुल्लाह जी आए, उन्होंने 3-4 बार डॉट कर दी, उनको लगा पता नहीं भाई क्वालिफाई नहीं करना, आप जीत ही लेते हैं, फिर उन्होंने लप्पा घुमा दिया, वो बोल्ड हो गए,
उसके बाद इनको समझ नहीं आया हमने कर दोनों टीमों का। अगर आप बात करें ना बांग्लादेश अफगानिस्तान इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों की ये सबसे मुख्य कमजोरी है कि दोनों का मिडिल ऑर्डर कुछ है ही नहीं है। आज अफगानिस्तान का भी मिडिल ऑर्डर पूरा खराब गया, इनका भी मिडिल ऑर्डर पूरा खराब गया। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या थी, प्रेशर सिचुएशन में गेम को किस तरह से आप आगे लेकर जा रहे हैं, गेम का माइंडसेट जो था वो बांग्लादेश का पूरी तरह से खराब था, जो लिटन दास बेवकूफियां करके गया, महमदुल्ला जो चीज करके गया कहीं ना कहीं, जब तक जब महमदुल्ला को हिट करना था तब नहीं रहे थे, जब सब कुछ खत्म हो गया तब हिट करने के चक्कर में अपनी विकेट आप गवा कर चले गए हो। और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान भाई नर्व्स को काम रखा। सबसे बड़ी बात पता मैं क्या कहूंगा आज, जो मेरे लिए अफगानिस्तान का मैच विनिंग मोमेंट है, राशिद खान ने जो अपने आप को थोड़ी लेट आज बॉलिंग दी, बिकॉज जब हिटिंग के लिए जाने वाले थे बांग्लादेश वाले, राशिद अपने आप को तब लेकर आया, उस समय पर फंसाया, चार विकेटें ली, भला वो गुलबदीन नैब को बॉलिंग देना हो, इतनी ज्यादा शानदार क्लिनिकल परफॉर्मेंस, अमेजिंग कैप्टनसी। आप देखिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, ड्वेन ब्रावो को देख लीजिए, जोनाथन ट्रॉट को देख लीजिए, राशिद खान नीचे बैठ के आसमान में देख रहा है, उसको कंधे पे घुमा रहे हैं लोग। आई मीन इंस्पिरेशनल कैप्टन भाई, व्हाट अ बिग अचीवमेंट दिस इज फॉर अफगानिस्तान टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द टी20 वर्ल्ड कप, जहां पे पूरी दुनिया की टीम्स आई हुई हैं, मेला लगा हुआ है भाई, और इतने मुश्किल कंडीशंस में पहले आपने, और आपने अर्न किया अपना स्पॉट यार, आप कोई बारिश बुरिश से नहीं गए, अपने दम पे आप अपने दम पे जा रहे हो यार, इट्स सच अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। आपने ऑस्ट्रेलिया को पेला है लिटरली यार, ऑस्ट्रेलिया को आपने कोई क्लोज भी नहीं था मैच, आज का मैच तो क्लोज था, ऑस्ट्रेलिया वाले तो 20-21 रन से जीते हैं, 149 बनाए थे वो 120 पे ढेर हो गए थे। साथ ही में अगर आज का भी आप मैच देखेंगे, 115 को डिफेंड कर लेना, ये होता सेल्फ बिलीफ। इनको इस टीम में इतना सेल्फ बिलीफ है कि नहीं हमने ही जीतना है। उस दिन इंडिया के अगेंस्ट भी देखो गुरबाज जल्दी कर गया, वरना राशिद ने विकेट्स उठा उखाड़ी थी उस दिन भी, इन्होंने आपको फंसाया था, लेकिन इनके पास बैटिंग नहीं है। अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका के सामने भी यही पंगा पड़ेगा कि बैटिंग नहीं। आप एक और चीज देखो इसमें, अफगानिस्तान ने इस एक टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को दो बार रुलाया, सबसे पहले जब उनको हराया और आज फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रुलाया है बांग्लादेश को हरा कर, और वो भी एक समय पर जीता हुआ मैच था ये बांग्लादेश का। वो भी पता है कि वो डिजर्व ही नहीं करते, नहीं कर रहे, उनको भी अपने दिल में पता है कि वो डिजर्व ही नहीं करते, और अफगानिस्तान को पता है कि वो ही डिजर्व करते हैं, इवन बांग्लादेश को पता है अफगानिस्तान डिजर्व करती है, पता नहीं बांग्लादेश करे, या तो क्वालिफाई करना तो करो, नहीं तो उनको जाने दो भाई, पता नहीं क्या। बट एक चीज तो है कि राशिद खान मतलब देखो दुनिया का नंबर एक टी20 बॉलर है, सबको पता है, सबको पता है कि दुनिया का नंबर एक टी20 बॉलर, लेग स्पिनर इस समय पर इससे बेहतर कोई नहीं है इस फॉर्मेट में, लेकिन राशिद खान द कैप्टन भाई, जो राइज राशिद खान द कैप्टन ने इस वर्ल्ड कप में करके दिखाया है ना, ये अनएक्सपेक्टेड है। अफगानिस्तान को सेमीफाइनल तक लेकर जाने वाला अगर कोई नाम हो सकता था जिसने इतने सालों में सबसे ज्यादा शोहरत और बुलंदी हासिल की है भैया भाई अफगानिस्तान के लिए खेलते हुए, वो नाम है राशिद खान का ही, और ये बतौर कप्तान उससे बेस्ट कोई हो भी नहीं। शोहरत और बुलंदी फोटो है, आपको एक बार बताता हूँ, आप बात तो करें राशिद खान की, पीछे चले जाइए मोहित, जो फोटो आपने लगाई थी ना अभी राशिद की और उसकी गुलबदीन नैब की, आपको पता है 2019 में गुलबदीन नैब वाज द कैप्टन ऑफ अफगानिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर, ही बोल्ड द लास्ट ओवर अगेंस्ट पाकिस्तान और हार गए थे, इमाद वसीम ने रन मार दिया था, और इतना क्लोज थे ये जीतने के, यहां से शुरू हुई थी जर्नी। और गुलबदीन नैब उसके बाद बाहर भी हुआ, ये एशियन गेम्स में भी गया, बाकी जगह भी खेला, ये 2019 का 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी बाहर भी बैठा हुआ था, बेंच में भी था, ये फाइनली इसने कमबैक किया, और इसका क्या ड्रीम कमबैक हुआ, ऑस्ट्रेलिया वाली गेम इसने जिताई है भाई, चार विकेट ले गया था ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में, और आज भी जब पार्टनरशिप लगी हुई थी इसने तोड़ी है पार्टनरशिप, किसकी पार्टनरशिप थी, तंजीम और साथ में खड़ा हुआ था लिटन दास, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से स्पिनर्स खेल रहे थे, इसने आके शॉर्ट बॉल मारी तंजीम को और आउट हो गया, एक ही विकेट ली कुलदीप नायब ने, गुलबदीन नायब ने, और बाकी वो जो एक्टिंग करी ऑस्कर वाली, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया वाला भी जितवाया मैच पूरा का पूरा टर्न, बिल्कुल, इवन गुलबदीन नायब की जर्नी इज अमेजिंग मोमेंट। 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बाहर होने के बाद अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने खुद गुलबदीन नायब की कप्तानी पर बहुत कड़े सवाल उठाए थे कि ये सारी बड़ी चीजें खुद कर लेते हैं सब कुछ, वहां से आज पांच सालों में इतना टेरिफिक कमबैक करना। बट अगर राशिद खान के पॉइंट के ऊपर वापस आए ना, शायद मैं भी थोड़ी दूर की बात कह रहा हूं, लेकिन 2025 के आईपीएल में गुजरात टाइटंस को राशिद को कप्तानी दे देनी चाहिए और ज्यादा बेहतर करेंगे, और राशिद पता टीम को इतना बेहतर संभाल भी क्यों रहे हैं, मेरे हिसाब से द ओनली प्लेयर इन द वर्ल्ड जिसने शायद दुनिया की हर एक टी20 लीग में खेला है, इतना टी20 क्रिकेट 2014-15 से राशिद प्लेयर है अफगानिस्तान का, और एक्सपीरियंस दिखाते हैं यार, ये बॉलिंग चेंजेस जिस तरह से कर रहे हैं, लाइन और लेंथ की बात कर लीजिए, मतलब पूरी तरह से दिमाग का उपयोग, बल्लेबाजी करवा लो, बॉलिंग करवा लो, इमोशनल हो गया था, उसे चला नहीं जा रहा था, एंड में मतलब उसकी जान सूखी हुई थी यार, ये मैच ही हार गए थे, इन्होंने मौत के मुंह से वापस आए हैं, लिटरली मौत के मुंह से वापस आए, और यार ये टीम वाकई में फायर, जिसको बोलते हैं ना पुष्पा, फायर है, फायर वही है भाई, फायर है ये टीम,
इनके पास अगर बैटर होते ना एक दो मिडिल ऑर्डर में एक दो बैटर होते, भाई ये वर्ल्ड कप ये नहीं है सुशांत की नहीं है।